थाना हरैया पुलिस टीम द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की आंखों में स्प्रे डालकर छिनैती करने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी और बरामदगी में अग्रणी भूमिका निभाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव द्वारा हेड कांस्टेबल इंद्रेश यादव थाना हरैया जनपद बस्ती को उत्साहवर्धन हेतु 15,000 रूपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है। अजय कुमार पुत्र साहबदीन निवासी ग्राम बाछनपुर थाना हरैया जनपद बस्ती उम्र 22 वर्ष के पास से लगभग 10,000 रूपए नगद एक अदद एंड्रॉइड मोबाइल ओपो F19 HDFC बैंक की पासबुक भी बरामद हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। 10 मार्च को एक संदीप कुमार जिनकी भदावल स्टेट बैंक के सामने उनका ग्राहक सेवा केंद्र है, उनकी दुकान पर ग्राहक सेवा केंद्र पर एक व्यक्ति आया जो कि अपनी माँ के लिए पैसे ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा था और बातचीत करके चला गया। कुछ देर बाद फिर वो आया और उनकी दुकान से उनके उनके चेहरे पर एक मिर्ची चिली स्प्रे आता है उसको छिड़काव करके स्प्रे करके और उनके पास जो बैग था उसमें से कुछ पैसे छीन कर लेकर भाग गया था। आसपास के लोगों ने इसको दौड़ाया भी था लेकिन उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हुए, भाग गया था। इसके संबंध में थाना हरैया पर 356 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और हमारी टीम जो है SHO शैलेश सिंह के नेतृत्व में काम कर रही थी। बीती रात लगभग 22:40 बजे किसवापुर के पास से जो इसका मुख्य आरोपी था अजय कुमार पुत्र साहबदीन निवासी बाछन को लगभग उम्र उसकी 22 साल है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से 10,000 रुपये और एक ओप्पो का स्मार्टफोन और HDFC की एक पासबुक बरामद हुई है। अभी प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि ये महाराष्ट्र में रहता था, वहाँ पर भी इस तरह के अपराध कार्य करता था और इसमें और आगे हम लोग इसमें और छानबीन कर रहे हैं, इसका आपराधिक इतिहास पता लगाते हैं कि क्या इसमें कोई और घटना घटित हुई है। इस प्रकार ये बहुत अच्छा खुलासा हुआ है और इस खुलासे में जो हमारा एक हरैया का हेड कांस्टेबल इंद्रेश यादव था इनकी भूमिका बहुत सराहनीय थी और इनको SP सर की तरफ से 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी स्वीकृत किया गया है। बहुत अच्छा हुआ।